आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। भाजपा की जरूरत, बन गए हैं बाबूलाल मरांडी। पार्टी को झारखंड में फिर सशक्त बनाने के लिए भाजपा चाहती है बाबूलाल को लाना। अर्जुन मुंडा और पार्टी के वरीय नेताओं को बता दिया गया है कि बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बाबूलाल झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी के लिए लाल साबित हुए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को झारखंडी जनता में लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर हालात कुछ ऐसे हुए कि बाबूलाल को भाजपा छोड़नी पड़ी। वर्ष 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी झाविमो बनाई और अपने दम पर झारखंड की जनता और राजनीति में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। इस बीच भाजपा अर्जुन मुंडा को लाई, लेकिन बाबूलाल को अपने साथ लाने की कोशिश नहीं छोड़ी। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसी चर्चा है कि भाजपा बाबूलाल को अपने साथ लाने का कमाल करने के लिए मनाने में सफल हो गई है। भाजपा की जरूरत बने बाबूलाल और पार्टी के लिए उनकी अहमियत को रेखांकित करती दयानंद राय की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव में 65+ सीटें जीतने के लक्ष्य से मैदान में उतरी भाजपा की दुर्गति होने के बाद पार्टी अब झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को पार्टी में लाने के लिए शिद्दत से जुट गई है। भाजपा के वरीय नेताओं को इस काम के लिए लगाया गया है और दिल्ली का पार्टी आलाकमान भी इसमें जुटा हुआ है। ऐसा भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि बाबूलाल भाजपा की जरूरत बन गए हैं। पार्टी को लगता है कि बाबूलाल मरांडी के आने से झारखंड में भाजपा को संजीवनी मिल जाएगी, क्योंकि पार्टी ये अच्छी तरह से जानती है कि बाबूलाल के राज्य के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर 28 महीनों के दौरान उनका कार्यकाल जनता के जहन में आज भी जीवित है। वहीं भाजपा में जाना बाबूलाल मरांडी के लिए भी जरूरत बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर कोई पार्टी सुशोभित कर सकती है तो वो भाजपा ही है, और भाजपा में रहने के कारण ही वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बनने में सफल रहे। इसलिए भाजपा की जरूरत बन गए हैं बाबूलाल। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आई, और झारखंड में भी इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अकेले अपने दम पर 37 सीटों पर जीत हासिल की। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 14 में से 11 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही, पर विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति जैसे धाराशायी हो गई। वर्ष 2014 में 37 सीटें जीतने वाली पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई, और इस हार ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी ने जब हार के कारणों पर मंथन किया तो एक निष्कर्ष ये निकला कि गैर आदिवासी सीएम होना भाजपा के लिए महंगा पड़ा। विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा मिला और बाहरी मुख्यमंत्री का प्रचार विपक्षियों के लिए कामयाब रहा। इस हार के बाद भाजपा ने अपने राज्य के आदिवासी नेताओं की कुंडली देखी तो पता चला कि उनमें से एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी राज्य में तो सशक्त पहचान हो ही दिल्ली में भी जिसकी प्रखर पहचान हो। ऐसे में भाजपा को बाबूलाल की जरूरत और शिद्दत से महसूस होने लगी, और शिद्दत से इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा ने बाबूलाल को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, पर बाबूलाल अपने सिपह सलारों के दबाव में आकर भाजपा में नहीं गए थे। भाजपा को भी इसका एहसास और आभास दोनों था, इसलिए पार्टी ने प्रयास करना नहीं छोड़ा था।
विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी ने और गंभीरता से इस दिशा में काम करना शुरू किया और इसके बाद बाबूलाल के भाजपा में जाने की संभावनाएं बढ़ गईं। विधानसभा चुनाव में 81 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर हीरो बने बाबूलाल भी महज 3 सीटें ही जीतने में सफल रहे। हालांकि उनके लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि वो धनवार सीट से चुनाव जीत गए। बाबूलाल मरांडी ये अच्छी तरह जानते थे कि भाजपा में जाकर ही वो अपने उन सिपह सलारों के चंगुल से मुक्त हो पाएंगे जिनके साथ वो रहना नहीं चाहते थे और जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इसलिए जब प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में जाने की जुगत भिड़ा रहे थे, बाबूलाल भाजपा के पार्टी में शामिल होने के आमंत्रण और शामिल होने के बाद बनने वाली परिस्थितियों का नफा नुकसान आंक रहे थे। 24 को कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव भी आया पर बाबूलाल नहीं गए। सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस की भी निगाहें बाबूलाल मरांडी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाबूलाल जिस पार्टी में जाएंगे उसके लिए वो एसेट साबित होंगे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 24 दिसंबर को बाबूलाल को प्रस्ताव मिला कि वो कांग्रेस में पार्टी का विलय कर लें, पर उन्होंने कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया। हालांकि अपने सिपह सलारों के दबाव में आकर उन्होंने सरकार को समर्थन देने का पत्र जारी कर दिया। राजनीति के गलियारे में चर्चा है कि बाबूलाल ने कांग्रेस के नेताओं को ये साफ बता दिया कि वे कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। भाजपा की रग रग से वाकिफ हैं बाबूलाल। झारखंड की राजनीति के जानकारों का कहना है कि बाबूलाल मरांडी भाजपा की जरूरत इसलिए बन गए हैं क्योंकि भाजपा को झारखंड में अपनी बड़ी पराजय के बाद एक मजबूत और निर्विवाद आदिवासी चेहरा चाहिए। हालांकि एक ऐसा चेहरा अर्जुन मुंडा के रूप में भाजपा के पास है, लेकिन सांसद और कैबिनेट मंत्री के रूप में भाजपा राष्ट्र स्तर पर अपनी दक्षताओं का उपयोग कर रही है। ऐसे में लेकर बाबूलाल मरांडी ही पार्टी के पास एक विकल्प के रूप में बचते हैं। बाबूलाल मरांडी की भाजपा से दूरी की वजह वैचारिक नाराजगी है और भाजपा इसे दूर कर सकती है, इसलिए पार्टी ने बाबूलाल को लाने की दिशा में कदम बढ़ाया। एक अन्य वजह यह है कि बाबूलाल भाजपा की खूबियों और खामियों को तो जानते ही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच भी पकड़ बनाने में उन्हें मुश्किल नहीं होगी। पार्टी को जिन 28 में से 26 आदिवासी सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा है, उन पर जीत दिलाने में बाबूलाल कारगर साबित हो सकते हैं, इसलिए भाजपा बाबूलाल को लाने में जुटी हुई है। अपने सिपह सलार से भी दूरी बनाना चाहते हैं बाबूलाल। अपने लंबे राजनीतिक सफर में बाबूलाल मरांडी ये अच्छी तरह जान गए थे कि उन्हें राजनीति में किसी दूसरे ने नहीं बल्कि अपने एक सिपह सलार ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। उन्होंने न सिर्फ बाबूलाल के सारे कनेक्शन काट दिए बल्कि पार्टी चलाने में सहयोग करने वाले लोगों से भी दूर कर दिया। बाबूलाल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके सिपह सलार जिनसे वो दूरी बनाना चाहते हैं उन्हें भाजपा रास नहीं आएगी और वो वहाँ नहीं जाएंगे। यदि वो कांग्रेस में जाते तो उनसे दूरी बनाने में बाबूलाल को मुश्किल होती, इसलिए बाबूलाल ने भाजपा में शामिल होने का फैसला ले लिया। यही एक वजह है कि भाजपा ने ना तो अब तक अपने विधायक दल के नेता का चयन किया है और ना प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। ऐसी चर्चाएं हैं कि भाजपा बाबूलाल के आने के बाद ही इस दिशा में कदम बढ़ाएगी। भाजपा को पूरा यकीन है कि बाबूलाल ही झारखंड में पार्टी की नैया पार लगाएंगे, इसलिए भाजपा को अपने इस लाल की पार्टी में वापसी का इंतजार है और बाबूलाल भी भाजपा में जाने के लिए सही समय के इंतजार में हैं और वो समय खरमास के बाद आएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।